इस क्वेश्चन में कहा गया है पांच की हाईएस्ट पावर निकालो ताकि वो नंबर 100 को डिवाइड कर सके, दैट इज आई मीन टू से फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन सो दैट 5 टू पावर एन कैन डिवाइड 100। इन अदर वर्ड्स मेरे को यह पता लगाना है कि 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 5 की पावर क्या आएगी, 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सपोज पावर आती है 31 सपोज, तो इसका मतलब हो गया 5 स्क्वायर 5 क्यूब अप टू 5 टू पावर 31 ये सारे ही 100 को डिवाइड करेंगे, लेकिन हाईएस्ट पावर ऑफ 5 सो दैट इट कैन डिवाइड 100 विल बिकम 31। मतलब कि इन अदर वर्ड्स हमको पता लगाना है कि 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 5 की पावर क्या आएगी। ये 31 मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि 5 की पावर क्या आएगी। तो ये याद रख लो कि किसी भी फैक्टोरियल को ओपन करने पर किसी भी प्राइम नंबर की पावर निकालना हो तो स्टैंडर्ड वे ये है कि सपोज मेरे को 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 5 की पावर निकालनी है तो लिखा जाएगा 100/5 स्क्वायर 100/5 क्यूब एंड सो ऑन। ये क्लियरली क्या हो गया 20, ये क्लियरली हो गया 4, ये और इसके आगे वाले सारे जीरो आएंगे, आंसर आ गया 24। तो इसका मतलब हो गया कि 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 5 की पावर 24 आएगी। यदि मेरे को 3 की पावर निकालनी हो या 2 की पावर निकालनी हो तो वो भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। सपोज मेरे को 3 की पावर निकालनी है तो लिखा जाएगा 100/3 100/3 स्क्वायर 100/3 क्यूब यह आ गया 33, यह आ गया 11, यह आ गया 3, 1। आपको ऐसा करके देखने की जरूरत नहीं है कि 100 को 9 से डिवाइड करें, 100 को 27 से डिवाइड करेंगे जो कि थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा। बेटर है कि पहला वाला आ गया तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए जस्ट पिछले वाले को ही 3 से डिवाइड करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। 33 को 3 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे 11 आ जाएगा, और फिर अगले वाला निकालने के लिए 100 को 27 से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, इसी को 3 से डिवाइड कर लो और ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो 3 आ जाएगा। फिर 100/3 टू पावर 4 को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसी को 3 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो 1 आ गया, और उसके आगे वाले सारे जीरो आएंगे तो 48। मतलब कि 100 के अंदर 3 की पावर निकालनी हो तो वो 48 आएगी, और यदि मेरे को 2 की पावर निकालनी हो, वैसे तो आपको अब तक समझ आ गया होगा लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं, उसके लिए यहां पे 2 स्क्वायर 2 क्यूब लिखेंगे तो आंसर आ गया 50+25+12+6+3+1। मेरा मतलब है 100 को 4 से डिवाइड करें, 100 को 8 से डिवाइड करें वो अच्छा नहीं रहेगा, बेटर ये होगा कि हर एक अगला नंबर निकालने के लिए पिछले वाले को 2 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, तो इनका सम आ जाएगा 97। तो 100 में 2 की पावर आएगी 97। वैसे मेरा आंसर आ चुका है, स्टिल ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं कुछ और कॉन्सेप्ट भी सिखाना चाहता हूं। जैसा कि आपने अभी अभी देखा 24 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 सो दैट रिजल्टेंट नंबर कैन डिवाइड 100, दैट इज 100 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 क्यूब से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 5/24 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से यदि वो ये कहता कि 100 10 से कितनी बार डिवाइड होगा तो उस केस में यहां 10 क्यूब वाला मेथड नहीं चलेगा क्योंकि ये वाला मेथड केवल प्राइम नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। 100 10 से कितनी बार डिवाइड होगा ये बोलो, या 100 के आखिर में
कितनी जीरो होंगी ये बोलो, दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि यदि किसी नंबर के आखिर में दो जीरोज हैं तो ऑब्वियसली वो नंबर 10 से दो बार डिवाइड होगा। तो किसी नंबर के आखिर में कितनी जीरोज हैं ये बोलो, या वो नंबर 10 से कितनी बार डिवाइड होगा ये बोलो, दोनों का एक ही मतलब है। तो यदि मेरे को पता लगाना हो कि 100/10 से कितनी बार डिवाइड होगा, उसके लिए ये वाला मेथड तो नहीं चलेगा क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 10 इज मेड अप ऑफ 2 and 5, दैट इज 10 is 2 into 5। एक बार 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 और 1 5 कटेगा, दूसरी बार 10 से डिवाइड करोगे फिर 8 2 और 1 5 और कट जाएगा। इस तरह से ऑब्वियसली 100/10 से 24 बार डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 24 बार डिवाइड होने के बाद हमारे पास 5 खत्म हो जाएंगे लेकिन 2 अभी बचे हुए हैं। लेकिन क्योंकि 5 नहीं है तो इसका मतलब हो गया 100/10 से और बार डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो मतलब निकला कि 100/10 से 24 बार डिवाइड होगा, मतलब कि 100/10 के आखिर में 24 जीरो होंगी। तो यदि कहा जाता कि 100/20 से कितनी बार डिवाइड होगा, तो 20 का मतलब है 2 square into 5। तो एक बार 100/10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 2s और 1 5 कटेगा, एक बार फिर डिवाइड करेंगे तो फिर 2 2s और 1 5 कटेगा, हर बार 2 2s और 1 5 कटेंगे। तो ऑब्वियसली 2 तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तो 100/20 से भी 24 बार ही डिवाइड होगा, क्योंकि 24 बार डिवाइड होने के बाद 5 खत्म हो जाएंगे लेकिन 2 जो है वो 48 2s यूज हो चुके होंगे, लेकिन 2 अभी भी बचे हुए हैं। तो 100/20 से भी 24 टाइम्स ही डिवाइड होगा। और यदि कह दिया जाए कि 100/40 से कितनी बार डिवाइड होगा, 40 is 2 cube into 5, तो एक बार 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 2s और 1 5 कटेंगे, फिर दोबारा 40 से डिवाइड करोगे फिर 3 2s और 1 5 कटेंगे। तो 40 से भी 24 टाइम्स ही डिवाइड होगा, क्योंकि 24 बार डिवाइड होने के बाद 5 खत्म हो जाएंगे लेकिन 24 थी 72, तो 72 टूज यूज हो चुके होंगे, लेकिन क्योंकि 5 खत्म हो चुके होंगे तो 100/40 से भी 24 टाइम्स ही डिवाइड होगा। यदि मैं बोलूं 100/80 से कितनी बार डिवाइड होगा, 80 is 2 बार 4 into 5, 100/40 को एक बार 80 से डिवाइड करेंगे तो 4 2s और 1 5 कटेंगे, फिर दूसरी बार डिवाइड करोगे फिर 4 2s और 1 5 कटेंगे। तो 80 से भी 24 टाइम्स ही डिवाइड होगा, क्योंकि 24 4 द 96, 24 बार 80 से डिवाइड होने के बाद 5 खत्म हो जाएंगे और 96 टूज यूज हो चुके होंगे, केवल 1 2 बचेगा। तो 100/80 से भी 24 टाइम्स ही डिवाइड होगा। लेकिन अब जो है यदि मैं बोलूं 160 से कितनी बार डिवाइड होगा, यह है 2 बार 5 into 5। अब यदि क्वेश्चन में ये पूछता हूं कि 100/160 से कितनी बार डिवाइड होगा, तो एक बार 160 से डिवाइड करेंगे तो 5 2s और 1 5 कटेंगे, दूसरी बार 160 से डिवाइड करेंगे तो 5 2s और 1 5 कट जाएंगे। तो 97 से छोटा नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाता है वो 95 है, और 95 को 5 से डिवाइड करने पर 19 आता है, मतलब कि 100/160 से 19 टाइम्स डिवाइड होगा, क्योंकि एक बार डिवाइड करेंगे तो 5 2s और 1 5 कटेंगे, दूसरी बार डिवाइड करोगे फिर 5 2s और 1 5 कट जाएंगे। जब 19 टाइम्स डिवाइड कर चुके होगे तो मेरे पास केवल 2 2s बचेंगे और 5 5s बचेंगे, क्योंकि 19 5s कट चुके होंगे। अब उसके बाद ये 100/160 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 100/160 से 19 टाइम्स डिवाइड होगा। तो मेनली मैंने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दो बातें बताई, किसी भी फैक्टोरियल को ओपन करने पर किसी भी प्राइम नंबर की कोई पावर निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, और नॉन प्राइम नंबर से कोई नंबर कितनी बार डिवाइड होगा ये भी बता दिया है।